एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को प्रारंभ कर रहे हैं और यह क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल जो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं या यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यानी 2023 के पीसीएस प्री के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि समय अब बहुत कम है, 14 मई 2023 को प्री एग्ज़ाम की डेट है और नोटिफिकेशन इस बार 3 मार्च को आया है, इसलिए प्री के दृष्टिकोण से यानी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से समय बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को मेहनत अधिक करना है। इसलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। तो आइए इसमें पहला टॉपिक हम लोग और यह क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और निश्चित ही एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे। तो इसमें हम लोग जो प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को, पहला जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफियल इंट्रोडक्शन यानी उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफियल इंट्रोडक्शन से संबंधित हम लोग डिस्कस करते हैं और इससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे और कितने क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए इस पर हम लोग प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफियल इंट्रोडक्शन से संबंधित, तो यहाँ पर हम लोग पहले यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य का जो क्षेत्रफल है एरिया है 240,928 वर्ग किलोमीटर है। ओके, इसके बाद अगला जो फैक्ट्स है वह उत्तर प्रदेश देश का, देश से तात्पर्य भारत का, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, आपसे यह एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह डिजिट तो नहीं पूछी जाती है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल और राज्य का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है और देश का यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ओके, तो यह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये मैप है, आप लोग देखते जाइएगा। तो यह भारत का कितना प्रतिशत है, 7.33% है यानी प्रतिशत है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब क्षेत्रफल पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश का 4th सबसे बड़ा राज्य है, ध्यान रखना है, 4th जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यह देश का सबसे बड़ा यानी 4th क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th सबसे बड़ा राज्य है। तो इसके पहले कौन कौन है राज्य उन पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 4th स्थान है, लेकिन अभी यह एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि देश का यानी भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से जो 1st राज्य है, पहला स्टेट है, वह कौन सा है, तो पहला राजस्थान है, ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश यानी MP है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। और जो देश के यानी भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो इस प्रकार यह इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि भारत का सबसे क्षेत्रफल में नंबर 1 स्थान या प्रथम स्थान राजस्थान है, नंबर 2 स्थान मध्य प्रदेश है और नंबर 3 स्थान पर महाराष्ट्र है और 4th स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ये इम्पॉर्टेंट। अगला हम लोग पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं, यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्यों तथा 1 केंद्रशासित राज्य यानी दिल्ली से मिलती है। इस प्रकार 8 राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श करती है और केंद्रशासित राज्य दिल्ली से, तो 1 केंद्रशासित राज्य दिल्ली से इसकी सीमा स्पर्श करती है और 8 राज्यों से करती है। इसके अलावा भी इंटरनेशनल सीमाएं भी स्पर्श करती है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी
उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगी है वह देश है नेपाल के साथ, ध्यान रखना है। तो नेपाल देश के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगी है, तो नेपाल देश के साथ इसकी सीमा स्पर्श करती है यानी टच करती है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओके, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इतने राज्यों से सीमाएं स्पर्श करती है यानी 8 राज्य। तो वह कौन कौन राज्य हैं यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, ओके। तो यह 8 राज्य हुए और एक केंद्र शासित राज्य, यानी 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो सीमा बनाती है वह मध्य प्रदेश के राज्य के साथ, और मध्य प्रदेश राज्य के साथ कुल 11 जिले स्पर्श करते हैं। तो इसको हम लोग आगे डिटेल देखेंगे अभी हम लोग कि किस राज्य से उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की सीमा है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व से पश्चिम की सीमा जो है वह पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर है। यहाँ से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से यानी पूर्वी सीमा, पूर्व से पश्चिम सीमा, इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह 650 किलोमीटर है, और इसका उत्तर से दक्षिण की, ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण का की लंबाई जो है 240 किलोमीटर। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से यानी नॉर्थ टू साउथ की जो दूरी है या लंबाई है वह 240 किलोमीटर है। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है। तो सबसे पूर्व का जिला है जो ईस्ट में है वह बलिया है, ध्यान रखना है, बलिया सबसे पूर्व का जिला है। इसके बाद पश्चिमी जिला जो है शामली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व का जिला यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, पूर्व का जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली है, और सबसे उत्तरी जिला है, नॉर्थ का जिला सहारनपुर है, और दक्षिण में जो है सोनभद्र, ये सोनभद्र है। तो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, ओके। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि कितने जिले किन किन राज्यों से स्पर्श करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है या सोनभद्र जिला है, ध्यान रखना है, सोनभद्र जिला एक ही जिला 4 स्टेट से टच करता है यानी स्पर्श करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन कौन है, इधर मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, झारखंड को स्पर्श करता है और बिहार को स्पर्श करता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3 और बिहार 4। इसका मतलब यह है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है या 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और फिर नेपाल से जो सीमा बनाते हैं जिले उनको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यह है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, और इसके बाद है बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ओके, इतने जिले स्पर्श करते हैं। इसी तरह बिहार के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और हरियाणा के, इसको भी हमने डिटेल लिख करके आप लोगों को दिखा देते हैं जिसे आप नोट बना लेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और बार बार एग्जाम में यह
पूछा भी जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन क्वेश्चंस को, इन जिलों को अब हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो पीलीभीत, पहला जिला जी पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतने उत्तर प्रदेश के इतने जिले जो है, 7 जिले नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो सबसे उत्तरी राज्य है, उससे कितने राज्य स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं? तो पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ओके, इतने राज्य स्पर्श करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पीलीभीत है, नेपाल देश से भी स्पर्श करता है, सीमा बनाता है, और उत्तराखंड से भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से सिर्फ एक जिले से स्पर्श करता है या सीमा बनाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दो जिले इससे सीमा बनाते हैं या स्पर्श करते हैं। इसके बाद है हरियाणा। हरियाणा से कितने स्पर्श करते हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, इतने जो जिले हैं हरियाणा राज्य से स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान से दो जिले स्पर्श करते हैं, मथुरा और आगरा। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, यानी सबसे अधिक जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं या मध्य प्रदेश से स्पर्श है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन हमेशा बार बार आपसे पूछा जाता है, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम लोग मैप में भी देखे हैं, ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यह ज्योग्राफिकल रूप से देखा जाए, यानी भौगोलिक रूप से देखा जाए, तो यह पूरी तरह मध्य प्रदेश में है, जबकि प्रशासनिक रूप में देखा जाए, पॉलिटिकल रूप में देखा जाए, तो यह उत्तर प्रदेश का अंग है या भाग है, ओके, या जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, जो शेष इस मध्य प्रदेश के बाद जो जिले हैं उनको, अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जिले स्पर्श करता है, वह है सोनभद्र, ओके। इसके बाद झारखंड। झारखंड से भी उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट या जनपद स्पर्श करता है, वह है सोनभद्र। इसके बाद बिहार। बिहार से स्पर्श करता है सोनभद्र, चंदौली, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जिले, ओके। इसका मतलब बिहार से भी कुछ 7 जिले स्पर्श करता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश का जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, इसकी सीमाएं यानी यह डिस्ट्रिक्ट बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों से स्पर्श करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद भी है। तो यह रहा उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोग अगले भाग में भी उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर के डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, लाभप्रद होगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको नोट्स अवश्य बना लीजिएगा।